मुझे लग रहा है शायद हमारे आज की हमारी गेस्ट स्पीकर जो थी वो आज किसी कारणवश अभी तक हम लोगों को ज्वाइन नहीं की है, तो मे बी आज शानी सर ही कुछ फिर से कुछ हम शानी सर से ही हम लोगों को आज कुछ नया फिर से सीखने को हाँ मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल कहीं बिल्कुल कभी आपने कभी मौका आज मिलता है। अभी मिनी मेहता जी से मैंने बात किया, उनका कंप्यूटर क्रैश कर गया है तो हम लोग से ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, तो इमरजेंसी के तो आदमी हम ही हैं ना। ठीक है, मैं इसको करता हूँ आज। मैं संकट मोचन सर, अचानक आप कुछ वैसे भी अचानक संकट मोचन कुछ तो करना पड़ता है ना। यस, तो मैं भी तो वही बोली, आप संकट मोचन है, इसी बहाने से ही आपका हम लोगों को क्लास अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो मेरा पीपीटी दिखलाई पड़ रहा है। अच्छा यस यस सर, मिल्क ग्रुप ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन, आप सभी लोगों ने कितना मिल्क दूध पिया है? मैंने मुझे नहीं लगता है कि कोई अपना दूध नहीं पिया होगा, और कम से कम अपनी माँ का तो दूध सभी ने पिया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑन द मिल्क ग्रुप ऑफ द मेडिसिन। अब हमारा होम्योपैथी बड़ा विशाल है, एक कहते हैं समुद्र है, और इस समुद्र में कहाँ कहाँ से दवा को ला समाया गया है, अनंत है। आप किस सोर्स में आप देखेंगे, जहां जाएंगे तो वहां मेडिसिन का ग्रुप ही पाएंगे। मैंने सोचा कि यह दूध जो है इसमें हमारे बहुत सारी दवाइयां हैं, लैक्टेनम है, लैक्टोफ्लोरेटम है, इस तरह से कई एक दवाइयां हैं, तो इस सभी दूध में क्या खासियत है, और इसमें अंदर में हमारे जीवन के साथ में क्या है, और यह बीमारी के साथ में हम लोग इसमें कैसे इसको देख पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं मिल्क ग्रुप ऑफ मेडिसिन को। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, और आप सभी को ही जानते होंगे, कि दूध जो है तो किसका किसका भोजन है, मैमल्स का, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनका ही ये दूध जो है तो भोजन होता है। तो मिल्क इज द फर्स्ट फूड। जितने भी जानवर हैं, हम जानवर में हम लोग अपने स्वयं को भी लेते हैं, मनुष्य भी है, मनुष्य से लेकर के सारे जानवरों का जो पहला आहार होता है वह दूध होता है, पहला फूड। और आप सभी जानते होंगे मनुष्य जो होता है एक वह अकेला प्राणी है, अकेला प्राणी है जो जिंदगी भर दूध पीता है ना। मनुष्य अकेला प्राणी है, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक वह दूध पीता है। और एक और बात है कि मनुष्य जो है तो अकेला प्राणी है जो दूसरे जानवरों का भी दूध पीता है, और कोई जानवर जो है तो दूध दूसरे जानवर का नहीं पीते हैं। जैसे बकरी जो है गाय का दूध नहीं पिएगा, कुत्ता जो है तो इसका दूध नहीं पिएगा, लेकिन मनुष्य जो है तो गाय का, भैंस का, ऊंट का, बहुत सारे जानवरों का दूध मनुष्य ने पिया। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य ने जो प्रकृति के नियम को उल्लंघन किया है, कैसे उल्लंघन किया, दूध को चोरी करके। तो मनुष्य दूध का चोर कहलाता है ना, दूध का चोर कहलाता है, क्योंकि ये दूध जो है सो इन्फेंट यानी कि बच्चे का भोजन होता है, और हम जिसके लिए यह दूध बना है उसको दूध ना दे करके लोग पीते हैं। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, हम लोग उसको निकाल करके पी जाते हैं, तो हम लोग चोर कहलाए कि नहीं कहलाए, है ना। तो इसको है तो कहते हैं कि, और इसी के कारण कहा जाता है मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कि डायबिटीज होता है, हार्ट डिजीज होता है, कैंसर होता है, और जिंदगी भर बहुत सारे बीमारियां होते रहते हैं। तो याद, मैं आपको ये तथ्य से अवगत कराया कि मनुष्य दूध पीता है दूसरे जानवरों का, और जिंदगी भर दूध पीता है, जबकि जिंदगी दूध पीने के लिए जिंदगी भर नहीं होता है। दूसरी बात है, काउ मिल्क इज फॉर द बेबी काउ, है ना, काफ के लिए है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए छोटा सा कार्टून में आपको दिखला रहा हूं, उस बछड़े का दूध को छीन करके हम लोग पीने जाते हैं। ठीक है, सो टू मेंटेन सप्लाई ऑफ मिल्क ह्यूमन हैज क्रॉस्ड इनटू द मिल्क ऑफ अदर मैमल्स, और अपनी दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने दूध, अपने माँ के दूध के अलावा
अन्य सभी जानवरों का दूध पूना पीना भी प्रारंभ कर लिया। और कहते हैं अब दूध की भी खासियत है, दूध के अंदर में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता में है कि ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो आवश्यक तत्व है जीवन के लिए, जितने भी आवश्यक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और राइट प्रोडक्ट हैं, जैसे हार्मोन्स, एंटीबायोटिक, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और स्टेम सेल, सारे ये जो है तो इस दूध में मिलता है। कहा गया है कि एक डॉक्यूमेंटेड बेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लाइफ इज एसोसिएटेड विद द कार, इसका खोज किया गया है कि अगर आप पहले 6 महीने तक माँ का दूध पीते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस, क्रॉनिक डिजीज, ये से आपका प्रिवेंशन हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आपका ओबेसिटी में भी कमी होता है, आपके बच्चे को डायबिटीज ये सब भी नहीं होता है, अगर आपने 6 महीना तक, आजकल ये प्रथा खत्म हो, माँ नहीं चाहती है अपने बच्चे को दूध पिलाना, अब चाहती है कि वो डब्बा बंद दूध को, बाजार में जो दूध मिलता है वो जो कि माँ का दूध नहीं होता, उसको पिलाने के लिए तुरंत 1 महीना दूध पिलाई माँ और बाकी समय में दे देती है। लेकिन कहा जाता है कि 6 महीना तक अगर लगातार बच्चा जो है सो माँ का दूध पिएगा तो उसे उसके अंदर में इम्यूनिटी पावर उसका बढ़ जाता है और बहुत सारे रोग से उसका प्रिवेंटिव होता है। देखिए मिल्क का कंपोजिशन क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ, इसका 37% जो है तो आपको लैक्टोज है, इसके अंदर में प्रोटीन है, इसके अंदर में मिनरल्स है और फैट्स है, ये मोटा मोटी कंपोजिशन है। 37%, 6%, 26.1% और ये है। दूसरी बात, मिल्क जो है तो हम लोग कहाँ से आता है, मिल्क हम लोग के माँ से आता है और सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है और अपने आप को बचाने के लिए भी मिल्क सबसे बड़ा जानवर है। तो मिल्क कंस्टिट्यूट द फर्स्ट फूड फॉर द सर्वाइवल इन मैमेलियंस, है ना। मिल्क जो है तो जीव जीव को बचाने के लिए, अगर दूध ना मिले बचपन में आपको तो आपका जीवन मुश्किल हो जाता है। अब मिल्क का दायरा क्या है, इसमें शक्ति देता है, ऐसे मुक्त करता है ऑफ दिस एंड बिहेवियर विद इन देयर ओन पर्टिकुलर सोसाइटी। मिल्क जो है तो आपके मेंटल लेवल पर भी मदद करता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी द थीम व्हिच इमर्ज थ्रू द प्रूविंग ऑफ द मिल्क रेमेडी। अब मिल्क रेमेडी में जो प्रूविंग किए गए उससे आपको थोड़ा सा थीम, आपको इसकी जानकारी मिलेगी। केंट का कहना है ऑल द मिल्क शुड बी पोटेंटाइज, सभी मिल्क को पोटेंटाइज करना है। दे आर द मोस्ट एक्सलेंट रेमेडी, दे आर वन एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फूड्स ऑफ अर्ली फैमिली लाइफ एंड देयर फॉर करस्पॉन्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द आवर इनर मोस्ट फिजिकल नेचर। तो केंट का कहना है कि जितने भी दूध हैं जहाँ हम लोग को अवेलेबल हो सकता है, और आप जानते होंगे कि हम लोगों ने गाय के दूध लिए और हम लोगों ने शेर के दूध को भी पोटेंटाइज किया है। इट इज 4,000 मैमल्स है जो कि दूध प्रोड्यूस करता है, 4,000। देर आर मोर देन 4,000 स्पीसीज ऑफ मैमल्स जहाँ की अपने से लेता है, और 40 हैव बीन प्रूवन होम्यो, और इसमें से 40 जो दूध हैं, 40 प्रकार के दूध जो है तो वह होम्योपैथिकली प्रूव किया गया है। हालांकि बहुत सारा प्रूविंग बहुत डीप नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे मेडिसिन का डीप प्रूविंग हुआ है। तो आइए हम लोग इसको तुलना करेंगे। तो ब्रेस्ट कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इज आवर फर्स्ट सस्टेनेंस, ये मैं बता चुका हूँ, मैं बॉन्ड ऑफ लाइफ है ना। इन लैक केसेस बॉन्डिंग वॉज नेवर फुली एस्टैब्लिश विद द मदर, अगर आपको दूध नहीं मिलता है तो बॉन्डिंग का मतलब होता है आपका एक दूसरे से जुड़ाव, है ना। सर हेलो, स्क्रीन स्लाइड नहीं हो, स्लाइडिंग स्क्रीन नहीं चेंज हो रहा है आपका, एक ही स्लाइड पे है।
कहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग? आपका स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, बस अभी कंपोजिशन ऑफ मिल्क पे ही है, नहीं कंपोजिशन ऑफ मिल्क बहुत अभी भी पहले नहीं हुआ। से में रह गए हम लोग। अच्छा हाँ उसके बाद से चेंज ही नहीं हुआ है स्लाइड। मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ, ये खत्म हो ठीक चुका है। है, हाँ ओके सर। आ गया नहीं सर अभी नहीं आया। स्टॉप शेयर करके, नहीं सही शेयर नहीं हो रहा अभी आया, अभी फिर हट गया, शेयरिंग खत्म हो गया। है। अभी अभी शेयरिंग नहीं हुआ है सर। ये मूव किया, हाँ ये सर अब मूव कर रहा है, अब मूव कर रहा है। ये बता चुका कि मिल्क का जो है सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात, हम लोग जो बताया कि जो जीने की जितने भी आवश्यकता है हम लोग को मिल्क के बाद मिलता है, मैं इसको बता चुका हूँ। और मिल्क का जो है तो आपका हर एक सिचुएशन में जीने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हमने ये भी बता चुका हूँ कि मिल्क के विषय में डॉक्टर केंट ने कहा है। आप स्लाइड देख रहे हैं डॉक्टर केंट का? डॉक्टर केंट के स्लाइड आ रहे हैं आपको? यस यस सर, यस डॉक्टर केंट ने कहा है कि सभी मिल्क को कोटेंटाइज करना चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारे अंदर में, हमारे होम्योपैथिक मेडिकल मेडिका में करीब करीब 40 जानवरों के दूध को पोटेंटाइज किया जा चुका है, जिसमें कि आप सभी कोई परिचित होंगे, ज्यादा लैक डेप्लोडेटम और लैक लियो शेरनी के दूध तक को पोटेंटाइज करने का प्रयास किया गया है। चार 4,000 स्पेसीज हैं जो मैमल होते हैं, जिसके अंदर में आपको दूध मैमल होते हैं जिसके अंदर में जो दूध प्रोड्यूस करता है, और जिसमें कि हम लोगों ने 40 का प्रोड्यूस किया है। बेस्ट मिल्क को कहते हैं अपने बचाव की, जिंदगी के बचाव के लिए एक प्राथमिक भोजन है। प्राथमिक भोजन, और प्राथमिक भोजन के साथ साथ क्या होता है, यह आपके अंदर में आत्मीयता का भाव बढ़ाता है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग विथ आवर मदर, कहते हैं कि माँ से कितना लगाव है ना। आप सभी को, हम लोग सभी को अपनी माँ से कितना लगाव होता है, शायद इसका हम लोग अपने दिल से ही पूछ सकते हैं। और इस बात से हम लोग को रिसर्च में यह पाया गया है, यह बॉन्डिंग जो है तो उस बच्चों में ज्यादा होता है, उसके लगाव जो उस बच्चों में ज्यादा होता है, लोगों में ज्यादा होता है जिन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है। और आज के समय में, वर्तमान समय में, यह बॉन्डेज खत्म होते जा रहे हैं। और इसका जीता जाता जागता नतीजा यह मिल रहा है, हम लोग देखते हैं कि समाज में हम लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धावस्था में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग नहीं रहा। तो बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जीवन के सर्वाइवल के लिए, इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो साइकोलॉजिकल बेसिस डेवलपमेंट का काम करता है मिल्क, हमारे मेंटल लेवल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। तो ये बॉन्डिंग, इसको कहते हैं बॉन्ड ऑफ लाइफ। इन लैक केसेस बॉन्डिंग वॉज सबसे, जितने भी मदर मिल्क होते हैं, जितने भी मिल्क है, सभी के अंदर में बॉन्डेज का बहुत इंपॉर्टेंस देखिएगा, एक रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस देखिएगा, वह कितना लोगों से लगाव है, ये सभी लैक कैनन से लेकर के सभी में देखिएगा। इसके अंदर इमोशनल वैल्यू, आप जितने भी लैक मेडिसिन हैं, माने लैक को दूध को कहते हैं, लैक्टा से आता है लैक, तो लैक मेडिसिन जितने भी हैं सभी के अंदर में इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। और इसमें बहुत सारा इमोशनल बॉन्डेज के कारण इसमें बौद्धिकता जो है सो आपको थोड़ा सा कमी होता है, जहाँ इमोशंस और इंटेलेक्ट का, बुद्धि और भावना का जब टकराव होता है, अगर भावना ज्यादा ज्यादा होता है आपके अंदर में, तो आपका बुद्धि वहां पर कम काम करता है, लेकिन बुद्धि जहाँ काम करता है वहां पर भावना कम होता है। तो ये जो इंटरैक्शंस बिटवीन या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशंस एंड इंटेलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इससे मेडिसिन इन मेडिसिन से समझने को मिलेगा।
लैक मदर ऑफन गिव बर्थ टू द लैक चिल्ड्रन, और लैक मेडिसिन से लैक चिल्ड्रन भी होता है, अगर न्यू बॉन्डेज नहीं हुआ तो वो नए बच्चे को अपना नहीं दे दे सकता है, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं फिजिकल रीजन व्हाई मदर कैन नॉट बॉन्ड विद द चाइल्ड, है ना। बहुत सारे कारण भी है, बहुत सारे मदर जो है अपने बच्चों को ज्यादा लगाव नहीं होता है, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं इंडिफरेंसेस टू द लव्ड वंस, इंडिफरेंसेस, मदर में बी सिवियरली इल आफ्टर गिविंग द बर्थ। क्यों होता है? क्योंकि माँ बहुत बीमार रही, ठीक से दूध प्रोड्यूस नहीं कर सकी, उसके अंदर में एनर्जी नहीं था, इसीलिए नहीं अच्छा। फिर पोस्ट नेटल डिप्रेशन भी माँ में पाया जाता है, उसके कारण भी हो जाता है। बच्चा अगर प्री मैच्योर बर्थ होता है तो उसमें भी आपको नर्सिंग के कारण का डिफिकल्टी होता है, वहां पर बॉन्डेज नहीं बन पाता है, बॉन्डेज एक नॉर्मल कंडीशन में ही बनता है। इसमें देखा गया है लैक केसेस में जो एक इंडिविजुअल सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी है ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अपने आप में सुरक्षित और सुरक्षा का भावना आपको हर एक लैक मेडिसिन में दिखलाई पड़ेगा, इसके सिम्टम्स में हर एक लैक मेडिसिन में दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह भी सुरक्षा और असुरक्षा यह भी आपका लगाव से डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों से लगे लगे हुए हैं और कितने लोगों से आप नहीं लगे हुए हैं, ठीक है ना। एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस का मतलब होता है दो, एम्बीवैलेंस मतलब आपके आपके अंदर में बैलेंस है ना, तो ये एम्बीवैलेंस जो है तो इसका की सिम्टम्स है हर एक लैक मेडिसिन। एम्बीवैलेंस का मतलब क्या हुआ? दो दिशा में आपका भावना और आपका ये कहते हैं बौद्धिकता, अगर दोनों एक साथ में है, जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप या तो बहुत भावुक हो जाएंगे या बहुत आपके अंदर में भावना का कमी हो जाएगा, ठीक है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, और हनीमैन ने लिखा है मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने माँ के पास में अपने स्वयं नहीं जाता चाहता, लेकिन उसके अंदर में रहता है, लेकिन जैसे ही माँ का स्तन उसके संपर्क स्पर्श में आता है उसको वह मुंह में एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अन्य जानवर के साथ में, डॉक्टर हनीमैन का लैंग्वेज है कि अन्य सभी जानवर, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने लिखा है कि मेडिसिन जितने भी जानवर होते हैं वो सभी अपने माँ के स्तन को पहचानते हैं, जन्म से पहचानते हैं, और स्वतः वहां पर जाते ले जा सकते हैं। तो ये आपको कनेक्टिविटी है जब माँ के मिल्क के कारण, ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए कि बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है तब क्या होगा, है ना, उसके अंदर में एक उदासीनता डेवलप करेगा और एक से बहुत सारे कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, और धीरे धीरे इसके अंदर में विड्रॉल टेंडेंसी होता है। विड्रॉल मतलब उसे अलग होने का, तो इंडिफरेंसेस का फीलिंग आने लगता है, ये लैक केसेस का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। देर आर कॉन्टैक्ट्स, आप दोस्ती करोगे लेकिन क्या होता है, आपका कॉन्टैक्ट बना नहीं रहेगा, वह बहुत डीप रिलेशन नहीं होगा, कहते हैं दोस्ती, है ना। दोस्ती, दोस्ती का मतलब क्या होता है, दोस्ती का मतलब होता है डीप बॉन्डेड, आप दिल की बात दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर दिल की बात दूसरे से नहीं कह सकते हैं तो उसको हम लोग दोस्ती नहीं करते हैं, वह एक सीधे मिलना जुलना हो गया। और देखा गया है कि आजकल के बच्चे जो कि पैदा ले रहे हैं, जिनको कि मिल्क का अभाव रहा है, उसके अंदर में ऑटिस्टिक बनते जाते हैं। ऑटिस्टिक मतलब क्या होता है, ऑटिस्टिक ऑटिज्म एक बीमारी है जहाँ की बच्चे सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आपसी बातों में ही आपस की दुनिया में, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, और बाहरी दुनिया से उनका लगाव खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मिल्क का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। एम्बीवैलेंस की मार्क कम में है, आप जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, आप अपना बहुत बोल करके जीना चाहते हो, मतलब ड्यूअलिटी, दो चीज में जीना है नहीं जीना है, आप बोलना है नहीं बोलना है, आपका अकेले रहना चाहते हो या लोगों के बीच रहना चाहते हो, फीलिंग्स और न्यूट्रल फीलिंग्स है या न्यूट्रल है, ये सारे चीज जो है सो लैक टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। पैराडाइज लॉस्ट, एक बहुत अच्छा कविता का भी टाइटल है, पैराडाइज लॉस्ट, है ना, व्हाट्स इसका है।
जब अपने माँ के गर्भ से निकलने के बाद में अगर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो लगता है कि उसका पैराडाइज मतलब उसका पूरा स्वर्ग ही समाप्त हो गया है ना। ये पैराडाइज लॉस्ट का कहानी होता है। तो इसके अंदर में ब्लैक पीपल के अंदर में विड्रॉल सेंस आ जाता है। विड्रॉल सेंस का मतलब वो सारे चीज से आदमी भीख होकर के एक अलग हो जाते हैं। मोस्ट ब्लैक केसेस आर नॉट एडिक्टेड टू नारकोटिक्स है ना। ब्लैक पेशेंट्स को ज्यादातर नारकोटिक्स से कोई लगाव नहीं हो पाएगा। स्पिरिचुअल रियलिज्म जो है सो उसका जो है सो उसका कम हो जाता है आइसोलेशन के कारण, और या तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा या स्पिरिचुअलिटी को वह भूल जाता है। डिनायल ऑन अर्थ बेस्ड रियलिटी मूवमेंट, ये कहते हैं कि वो दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में रहने लगता है। दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में वह चला जाता है। आप देख रहे होंगे यह स्लाइड्स में आपको तो दिखलाया गया है कि अकेलापन को पसंद और को डिपेंडेंट अकेलापन है, फिर भी उसके अंदर में किसी पर वह आश्रित रहना चाहता है। लैक इंडिविजुअल्स फाइंड इट हार्ड टू मेंटेन रिलेशनशिप है ना। ये लैक के पेशेंट में रिलेशनशिप का बहुत होता है, कमी होती है। ये अपने आप को दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं, लगता है कि उसका कोई भी दुनिया में मदद नहीं है। जैसा कि बहुत से बच्चे सीख जाते हैं, जैसे ऑटिज्म बच्चे सीख जाते हैं कि कैसे हम अकेला रहे है ना, और उन्हें कभी किसी चीज का भय नहीं होता है। उसके अंदर में किसी चीज का भय नहीं होता है, वो हमेशा एक नेट्रम म्यूर के जैसा, नेट्रम ग्रुप के जैसा आपको हमेशा उसके अंदर में इंडिफरेंसेस के चला आता है। लाइक चाइल्ड कैन नॉट बियर द सिंपली लूज द मदर, इंस्टेड ही सीक टू विन हर लव। लैक का हमेशा एक प्रयास होता है कि अपनी माँ का प्यार को कैसे जिए। इसीलिए लैक का लगाव जो है तो अब लैक मेडिसिन के जितने भी होते हैं उनमें होते हैं, ठीक है ना। प्रिकॉसिटी, प्रिकॉसिटी का मतलब तो होता है जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसके अंदर में समय से पहले उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। जब इमोशन खत्म हो गया तो वह बहुत, जैसे आप देखे होंगे बच्चे बहुत अनाथ बच्चे होते हैं तो अपना पैसा कमाना है ये अपने कम उम्र में ही सीख जाते हैं अनाथ बच्चे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर नहीं आज काम करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ये अनाथ बच्चों का, इसको कहते हैं प्रिकॉसिटी, अपने उम्र से ज्यादा बुद्धि हो जाना। प्रिकॉसिटी का मतलब अपने उम्र से ज्यादा बुद्धि हो जाना, ज्यादा बौद्धिकता डेवलप कर जाना। एक बूढ़े के जैसा, एक जवान एडल्ट आदमी के जैसा वो बिहेव करते हैं, वो इसलिए एडल्ट लाइक माइंड जो है तो पाया जाता है, इसको प्रिकॉसिटी ऑफ माइंड कहते हैं। ये प्रिकॉसिटी ऑफ माइंड आपको बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगा, उन बच्चों में जहाँ की आपका संबंधों का असर रहा है। अगर वह सौतेली माँ रही है, माँ का पूरा प्यार नहीं मिला है, परिवार का पूरा वातावरण नहीं मिला है, या सामाजिक रूप से उसके अनाथ रहा है, ऑर्फेंस रहा है, उसमें अब आपको प्रिकॉसिटी के सिम्टम्स उस तरह के बच्चों में ज्यादा दिखाई पड़ेगा। माँ का बच्चा है ना, आपको मदर एक मदर फिक्सेशन सिंड्रोम, मदर फिक्सेशन से तो मदर बिहेव्स लाइक ए चाइल्ड है ना, चाइल्ड के जैसा। सो देयर इज अ मदर चाइल्ड डायनेमिक दैट इज टिपिकल इन लैक केसेस। पेशेंट से दैट इज चाइल्ड ही दैट अपने को बच्चा, माँ भी अगर बच्चे के जैसा बिहेव करते हैं, यानी कि आपके अंदर में प्रिकॉसिटी के कारण, बच्चों में अगर प्रिकॉसिटी है तो माँ में या एडल्ट में इसका जस्ट उल्टा है। अब बचपना स्वभाव हो जाता है ना, इसको प्रिकॉसिटी का जस्ट अपोजिट होता है चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्डिश बिहेवियर भी आपका रूब्रिक्स आप देख रहे होंगे रिपोर्टरी में, चाइल्डिश बिहेवियर, और प्रिकॉसिटी क्या है, एडल्ट लाइक बिहेवियर। उसका बिहेवियर कैसा होगा, एडल्ट के जैसा होगा, चाइल्डिश बिहेवियर। तो ये दोनों लक्षण के ग्रुप ऑफ लक्षण आपको बचपन में आपको प्रिकॉसिटी वाले दिखलाई पड़ सकते हैं, और आगे वाले बच्चों में ये दिखलाई पड़ सकता है। डॉटर इज लुकिंग आफ्टर द मदर इन ऑर्डर टू विन हर लव है ना, प्यार पाने के लिए, क्योंकि उसे प्यार नहीं मिला। और हमेशा आदमी मनुष्य का ये नीति होता है कि हमेशा वह प्यार की खोज में भटकता रहता है। वन इज
mother who could not bond with her child and remains detached. So दो different dynamics है, like dynamic. एक है dependent, एक है independent, है ना, एक है emotional security. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जिसे आपको कंसिडर करना चाहिए. मैं आपको सिम्टम्स के विषय में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग के विषय में बताने का कोशिश कर रहा हूँ. एलेक्ट पेशेंट विल ऑफन ड्रीम ऑफ ए चाइल्ड इन द डेंजर, है ना, अगर खतरा हो रहा. बहुत सारी कहानियां आप पढ़ते होंगे, खतरे बच्चे को देखने में, सामने में देखना नहीं चाहता है, लेकिन बच्चा जैसे ही समस्या में होगा उसके अंदर में उसके प्रति प्यार उमड़ जाता है और अपना जान का बाजी लगा करके उसको बचाने का कोशिश करता है. वेयर इज द मैन, मनुष्य कहाँ है, है ना. सिंगल पेरेंट, आजकल हम लोग दो तरह का परिवार हम लोग का है, एक ज्वाइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है, ना, आइसोलेटेड फैमिली. तो ज्वाइंट फैमिली में आप देखे होंगे कि एक बॉन्डेज का बहुत ज्यादा होता है, चाचा चाची मामा मामी भाई कजन चचेरा भाई सब लगता है कि अपना ही है. लेकिन एक जो इंडिपेंडेंट फैमिली है तो लगता है कि ये दूर के लोग हैं, पास के लोग नहीं है, अपने लोग नहीं है. तो लैक वुमेन जो है अपने ट्रस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, लोग विश्वास नहीं होता है उन लोगों को, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वह बॉन्डेज नहीं बन पाया. ये बहुत तो विश्वास की एक कहते हैं कि सस्पिशियस नेचर डेवलप करना, तो लैक के पेशेंट में आपको सस्पिशियस नेचर आपको दिखलाई पड़ेगा. कहते हैं कि प्रकृति जो है सो बहरा नहीं होता है ना, बहरा नहीं होता है. क्या होता है, मनुष्य बहरा होता है. हम लोग प्रकृति की भाषा को, प्रकृति सभी कुछ देखता है आप क्या कर रहे हो, लेकिन हम मनुष्य है जो कि प्रकृति की भाषा को नहीं समझते हैं और हम लोग बीमार पड़ते हैं. ये चीज है हम लोगों के इस लैक के साथ में देखते हैं. लैक वुमेन जो होते हैं तो डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जल्दी उनको कहते इसमें, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं बना ना. आप अपने दोस्त पर बहुत अच्छा विश्वास करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि वह बॉन्डिंग बना, उसको पता है कि मेरे लिए कभी गलत नहीं करेगा. लेकिन जहां बॉन्डेज नहीं बना तो विश्वास नहीं होगा और सस्पिशस, तो सस्पिशस नेचर शंकानुमय. आपके पास में रोगी आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब आपने दवा सही तो दिया है, क्वांटिटी सही ना दिया है, ठीक होगा ना, बहुत सारे प्रश्न करना शुरू करेगा. तो ये आपको लैक के अंदर में और बहुत सारे इसके लिए सवाल जवाब उसके अपने को पूरा करने के लिए वो करता है. इसको कहते हैं अपने भावनाओं का, चेतना का विक्टिम है, यानी कि अपने जिंदगी में उसको जो हम लोग का चेतन मनुष्य कॉन्शियस लाइफ कहते हैं कि हम लोग कॉन्शियस लाइफ है. और इस कहते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है लैक पेशेंट का वह है कि दे आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लैक पेशेंट दैट दे आर द विक्टिम. वो हम लोग विक्टिम है, हमें हमको फंसाया गया है, हमको हम इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं. ये फीलिंग्स डिल्यूजन आपको लैक पेशेंट में दिखलाई पड़ेगा. दे डिडंट एक्सपीरियंस हेल्पलेसनेस, और अपने आपको कहेंगे अरे मैं तो लाचार हूँ, ऐसे फीलिंग्स इसके अंदर में काफी है. विक्टिम कॉन्शियस इज ए डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, ये बचाव अपने आप को सुरक्षा करने के लिए अपने को, अरे मैं लाचार हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, किसी से मदद मांगने जाइए कहता है कि मैं तो खुद ही लाचार हूं, मैं आपकी क्या मदद करूं, क्यों, क्योंकि वह देना नहीं चाहता है, है ना. ये सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म कहते हैं, सेल्फ मैकेनिज्म है जो कि लैक पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा. सो सेल्फ लो सेल्फ स्टीम, आप इसमें सम्मान की भावना, अभिमान की भावना का कमी हो जाता है और सेल्फ अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं. इसमें इंट्रोस्पेक्शन सिम्टम्स बहुत ज्यादा नजर में आएगा. अनसपोर्टेड, ये हमेशा इनको लगता है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है, भगवान भी नहीं उनको मदद करते हैं, कोई आदमी हमेशा पीछे से खींच रहा है, उनका सपोर्ट सिस्टम समाप्त हो चुका है. और सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ये अपने फैमिली से जुड़ करने के बाद, पैदा होने के बाद भी वह आपको नहीं बन पाता है, ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, ये आपका इम्पोर्टेंट है. एवरी वुंड हैज विद इन स्टेट ऑफ इट्स ओन हीलिंग, है ना,
हर एक जितना भी हमारा घाव है उसको हम लोग बाहर से नहीं, हम लोग अपने खुद तलाश रखते हैं और कनेक्शन खोजने का प्रयास करते रहते हैं। सो कम्युनिटी फर्स्टली बाय हेल्पिंग द कम्युनिटी ही फील्स मोर वर्दी। अब आपको देखिए अभी सेल्फलेस है, लेकिन वह चाहता है कि हम मदद करें जिससे कि हमको कुछ हमारा भाव आपको हमारा अभिमान हमारा सम्मान बढ़े, और या लोगों के मदद करने के लिए और उससे उससे उसको भाव मिलता है। स्ट्रॉन्ग एवर्सन टू इनजस्टिस। आप कौस्टिका में पढ़ते होंगे इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, है ना, ये सबसे टॉप मेडिसिन आपको कौस्टिकम में है, लेकिन लैक ग्रुप के जितने मेडिसिन हैं वह इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करता है, क्योंकि वह सही क्या है क्या गलत है इसका उसका भाव होता है, और इसके साथ में यह नेटरम इम्यूनिटी के भी बहुत क्लोज हो जाता है नेटरम ग्रुप के मेडिसिन के। तो हम लोगों ने देखा रिबेल विद ए कॉज, रिबेल मतलब कि विरोध करना, है ना, विद्रोह करना। विद्रोह क्यों करते हैं, जैसे आप नक्सलाइट ग्रुप के पेशेंट, नक्सलाइट टाइप के हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है जो कि किसी न किसी कारण से एंटी सोशल बने। एंटी सोशल बनने का पीछे में रीजन होगा, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिला है, और इसीलिए वह विरोध में प्रतिरोध में और वह उन्होंने ये किया है, यह आपको रिबेलियन, इसलिए लैक ग्रुप के पेशेंट को कहा जाता है, ये विद्रोही ग्रुप के भी पेशेंट होते हैं। और इसमें दो बात होती है, पुश एंड पुल, है ना, इसमें रिलेशनशिप के लिए दोनों तरफ से आपको होता है, एक चाहता है कि मैं प्यार करूं, दूसरा करता है मैं प्यार नहीं करने दूंगा, या प्यार करना चाहता है जस्ट उसका उल्टा है। तो ये पुश एंड पुल की बात होती है, इसके अंदर में फीलिंग्स आपको दिखाई पड़ेगा। और बच्चों में देखिएगा प्रिकॉसिटी की बात मैंने पहले किया था, बच्चे अपने को कभी कभी देखते हैं कि बच्चे जो है अपने माँ बाप के गार्जियन बन जाते हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर में एक उनको लगता है कि माँ बाप मेरे लाचार हैं, इसलिए वो माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। बाउंड्रीज, ये लैक पेशेंट्स के अंदर में आप देखिएगा सही क्या है गलत क्या है दो बीच में, है ना, तो राइट एंड रॉन्ग्स इसके बीच में होता है। तो लैक रेमेडीज में और नेत्रम इग्नेशिया के जैसा होता है डिफरेंसेस बॉन्डेज का फीलिंग। देन वीक बाउंड्रीज राइजेस फ्रॉम द अर्ली, ये कहाँ से आता है बाउंड्री, शुरू के एक्सपीरियंस से, जीवन के पहले एक्सपीरियंस से, और अपना एक्सट्रीमली इम्पैथेटिक, उदासीनता हो जाते हैं, है ना, उसके तो कहते हैं ना सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का जस्ट उल्टा हो जाएगा एम्पैथेटिक, उनका उस दया का भावना इसके अंदर में आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। दूसरा एक और भी इसका पर्सनैलिटी देख आएगा, कोडिपेंडेंट, एक दूसरे पर आश्रित, ये अपने आप को मदद करना भी चाहेगा नहीं भी करना चाहेगा। तो आप देखें हर एक जगह पर आपको लैक पेशेंट में आप कोरिलेशनशिप देखते हैं, और हमेशा एक बाउंड्रीज तोड़ने का इसके अंदर में फीलिंग्स होता है जिससे कि वह रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। तो व्हेन लाइफ इज अनसर्टेन ब्रेक द बाउंड्रीज, ये फीलिंग्स है, व्हेन द लाइफ इज अनसर्टेन ब्रेक द बाउंड्री, सो डोंट लेट एनी वन टू स्टील योर मिल्क, है ना, अपने जिंदगी में किसी को दूध को नहीं पीने देने, दूध को चोरी करने के लिए आधार नहीं दीजिए। तो मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया हूँ, कोशिश किया कि आपको समय पर मैं समाप्त कर दूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ आज के समय को आपको कुछ बता पाया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, इसी बहाने हम लोग को इतना अच्छा आपसे सीखने को मिला। सर इसमें मैं ये पूछना चाहूंगी, पहले मैं बोल दूं काइंडली किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो बहुत तो सारे हैंड क्वेश्चन रेज करें। हाँ कुछ क्वेश्चंस है मैं पूछती हूँ। वंडरफुल रामप्रवेश सेशन, कैन आई गेट पीपीटी? हरिनाथ सर, हरिनाथ ने पूछा कैन आई गेट पीपीटी, वंडरफुल सेशन। और डॉक्टर राम प्रवेश शाह ने लिखा 40-50 साल पहले महिलाओं या अभी भी कई परिवार में बच्चों को कई परिवार या पड़ोसी महिलाओं जैसे दादी नानी दीदी मामी चाची का स्थान का दूध पीता था, जिससे बच्चे बड़ा होने पर मानवता का भावना बनता है और
असहयोग और सहयोग का और पहचान का भावना रहता है। बिल्कुल सही बात है। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो? डॉक्टर ए के यादव ने थैंक यू सर बोला है। हाँ, थैंक यू तो ज्यादा और एक ने बोला है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई सी द इमेज इन इंग्लिश। वो एक एक ने मुझसे आई थिंक स्टार्टिंग में ही बोला था कि हिंदी मैं नहीं जानता हूँ, कोई और है, स्पेनिश में। तो आपने स्पेनिश ठीक है, और आपने तो इंग्लिश। अच्छा जवाब दे दिया हाँ, है। तो मैंने जवाब दे दिया कम्प्लीटली हिंदी है, आप इसके बाद इंग्लिश सेशन आप ज्वाइन कर सकते आपने हैं। साधारण हैंड रेज किए हैं। हाँ सर ने हैंड रेज किया सर। It is telling it is one of the best medicine for vision and absent minded. What about your comments about that? आपने कुछ पूछा, मैं जब सुन नहीं पाया। Vision of snake is there, नाकसिस में है, इसमें है, इसका डिफरेंस बता सकता है? फिर भी फॉरगेटफुलनेस से एक ऑप्शन तो एक बिल्कुल मेडिसिन है। तो एंड आल्सो बियर बियर टू बी एट दिस आर द थ्री मेन सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स व्हाट आई फेल्ट। मैं आपके क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहा हूं सर। ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लैकेसिस से थोड़ा डिफरेंशिएट करें माइंड से मेंटल सिम्टम्स को लेकर। ग्रीफ ओके है। okay. इट सबसे इज रिटन इन लैकेसिस। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सर कि लैकेसिस ये ऑफिडिया ग्रुप का ये पॉइजन से बना है और मिल्क जस्ट उसका अपोजिट है ना, मिल्क जस्ट अपोजिट है। तो सिम्टम्स जितने भी आएंगे, मैं मेरा जो मानना है कि लैकेसिस पीपल आर लैकेसिस का जो सिचुएशंस बनते हैं, जो उसके लाइफ सिचुएशंस बनते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस। और जो मिल्क के जो फीलिंग्स बनते हैं बिकॉज ऑफ द बॉन्डेज, है ना। दोनों में अंतर यह है कि लैकेसिस एक मैच्योरिटी का और उसके अंदर में एक नेगेटिव फीलिंग्स को प्रोटेक्शंस के लिए लेकर के आता है। लैकेसिस को पॉइजन इसलिए दिया गया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर दे। और लैकेसिस का पॉइजन या कोई भी ऑफिडा ग्रुप का मेडिसिन जो है पॉइजन है, पॉइजन यूज से बना है, उन सभी पॉइजन का एक ही पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाव करना। तो ये चीज जो है तो बहुत है। और यहाँ पर क्या है लैकेसिस से, हम लैकेसिस से इसको तुलना करना मैं नहीं समझता हूँ उचित होगा, क्योंकि लैकेसिस और जस्ट ये दोनों दो नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके साहब, दूसरा एक और है, एब्सेंट माइंडनेस एंड फॉरगेटफुलनेस। द एब्सेंट माइंडनेस एंड फॉरगेटफुलनेस इज अ वेरी बिग फ्यूचर ऑफ सर माइंडल सिस्टम। सर प्लीज। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, यस सर, फॉरगेटफुलनेस इन द लैकेसिस और लैक ग्रुप। इट इज इन द नाक्रेनियम। देयर आर सो मेनी अदर मेडिसिन हाँ, आल्सो। फॉरगेटफुलनेस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। फॉरगेटफुलनेस बिकॉज फॉरगेटफुलनेस इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिकॉज हाउ यू आर फॉरगेटफुल, आप कैसे भुलक्कड़ होते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। भुलक्कड़ होने के भी कई एक रीजन होते हैं। इफ योर माइंड इज वेरी मच एब्जॉर्ब, इफ योर माइंड इज वेरी वेरी मच एब्जॉर्ब, तो आपका बात सुनते नहीं हो तो लोग कहता है कि ये भुलक्कड़ है। दूसरी बात क्या होती है कि माइंड जो है तो इतने हाइपर होते हैं, वो बहुत सारा चंचल होता है। तो आप ऑटिस्टिक बच्चे को आप देखिएगा तो लोग कहते हैं कि वो बात सुनता नहीं है। तो ऑटिस्टिक ऑटिज्म में आपको फॉरगेटफुलनेस की बात तो आती ही नहीं है, वहां पर एक क्लोज्ड हो जाता है। इसलिए लैक ग्रुप का मेडिसिन में आपको फॉरगेटफुलनेस की बात इसलिए आती है क्योंकि उसका परसेप्शन उसके पास में नहीं होता है। और हर एक मेडिसिन में आपको फॉरगेटफुलनेस के सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन लैक ग्रुप के जो फॉरगेटफुलनेस के सिम्टम्स, मेरा जो मानना है वो इसलिए आएगा कि इसलिए आएगा क्योंकि वह अपने आप को एक एक ही इशू में बांधा हुआ है, दैट इज द बॉन्डेज, है ना, दैट इज द बॉन्डेज। तो इस इशू के कारण उसके अंदर में फॉरगेटफुलनेस, उसको वही सारी बातें याद होगी। लैक ग्रुप के मेडिसिन को वही सारी बातें याद होगी जो बात उनके जीवन के साथ में चुनौती
जुड़ा है, तो एक समस्या बना है, आधार बना है, उस घटना को वह दिल से निकाल नहीं सकता है। जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, बहुत बड़ा ये फीचर्स हो, उसको दिल से निकालना इसके लिए भी। और बचपन का एक्सीडेंट, बचपन में अगर माँ का दूध नहीं मिला, ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है लाइफ का। और इस एक्सीडेंट में को यह जिंदगी भर याद रहता है, और इसके कारण इसके अंदर में जो दिमाग जो है, तो दूसरे बात को अपने सेल्फ थॉट्स में एब्जॉर्व करने के कारण इसको नहीं होता है। थैंक यू सर, वेरी गुड, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, कम अगेन एंड ऑल्सो कम इन इंग्लिश सेक्शन। हाँ ओके, गुड ट्राई गया, सर फॉर द इंग्लिश सेशन सर। हाँ इंग्लिश में सेक्शन में आ जाए तो इस दूसरे लोगों को जास्ती इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। कोशिश करूंगा सर, मैं तो रहता ही हूँ रोज, और इमरजेंसी में मैं सब जगह आ जाता हूँ। इमरजेंसी में आज भी हम लोग के स्पीकर दूसरे थे, उनका एक लैपटॉप क्रैश कर गया, वो ज्वाइन नहीं कर पाए। मिनी मेहता जी का था जो कि रेगुलर हमारे स्पीकर है, लेकिन उधर जाने। एक हरिनाथ जी का क्वेश्चन है, गेट स्टक विद इग्नेशिया एंड नेशनल मूड इन मेनी केसेस, द प्रेजेंटेशन रिमाइंड मी दैट लैक रेमेडीज टू बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएटली। डेफिनेटली इग्नेशिया नेट्रम म्यूरिटिकम मैंने ग्रुप का दवा का नाम लिया, और नेट्रम का नाम लिया था, इग्नेशिया का नाम लिया था। ये नेट्रम और इग्नेशिया को आप किस रूप में लेते हैं? इमोशनल है ना, ये भावनात्मक मेडिसिन है, भावना से जुड़ा हुआ है। हम लोग अपने पूरे मेट्रा मेडिका को दो भाग में बांट सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअल मेडिसिन और एक इमोशनल मेडिसिन। तो ये नेट्रम म्यूरिटिकम इग्नेशिया के अंदर में भावनात्मक प्रवृत्ति ज्यादा होता है, और वहां पर उसका जो आपको लैक ग्रुप भी आपको इमोशनल मेडिसिन में, इसके सारे प्रॉब्लम्स आपको एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस के कारण होता है सारा, क्योंकि बचपन में लेकर के दूध के कमी के कारण इसके अंदर में इमोशंस का जो दबाव हुआ है वो पड़ा है, उसके कारण इसके सारे प्रॉब्लम्स इसके इकट्ठा आए। पैथोलॉजिकल कॉज जिसको जिसको कहते हैं रीजन फॉर हैविंग द प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम उसके कारण वहां पर सर आपने प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रेन जो बताया, प्रिकॉसिटी सिम्टम्स का जो आपने जिक्र किया, तो ये भी इमोशनल रीजन के कारण ही नहीं सिम्टम्स उभर कर आते हैं? प्रिकॉसिटी के देखिए, प्रिकॉसिटी में आप जाइएगा रिपोर्टरी में तो आप देखिएगा, मैं दिखला रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको एडोरिनम लैक्टिस और वेरेट्रम। आप देखें, आपके पास में है क्या, खुला है रिपोर्टरी? हाँ मैंने देखा है, लैकेसिस मेडोरिन। इसके अंदर में कई एक दवा है ना, प्रिकॉसिटी का मैंने क्या कहा, उम्र के से ज्यादा बुद्धि, उम्र से ज्यादा बुद्धि आपको देखिएगा। उसमें एक दवा का नाम आपने लिया दीपमाला जी, लैकेसिस मेडोरिनम वेरेट्रम, ये आपको 3 मार्क्स का वेरेट्रम का आपने नाम लिया। वेरेट्रम में क्या है, वेरेट्रम में कहते हैं कि आउट ऑफ गियर। वेरेट्रम को मैंने ऐसे देखा है, आउट ऑफ गियर माने उसके अंदर में कंट्रोल से बाहर, कंट्रोल से बाहर, ठीक है ना, कंट्रोल से बाहर, यानी कि इतना ज्यादा बुद्धि है, इतना ज्यादा बुद्धि है और उसको वो अप्लाई नहीं कर पाता है। तो बहुत ही प्रिकॉसिटी है, प्रिकॉसिटी का वह यूज नहीं कर पाता है वेरेट्रम, ठीक है ना। और मेडोरिनम में क्या है, मेडोरिनम अपने प्रिकॉसिटी का यूज, अपने बुद्धि का यूज इसलिए करेगा, ओनली फॉर द गेन, लाभ के लिए। मेडोरिनम अपने बुद्धि का जो उपयोग है केवल लाभ के लिए करेगा, जहां कि आपको लैक ग्रुप के मेडिसिन में जो प्रिकॉसिटी होंगे वह अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को जीने के लिए, है ना। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था लेट लीव एंड लेट लीव, जो कि जियो और जीने दो, जो कि नेट्रम का कहानी है, इग्नेशिया का कहानी है, वही तरह से लैक भी आपको लैक भी चाहता है, जियो और जीने दो। फिर दूसरी बात मैंने क्या कहा कि रिबेलियन एक विरोधी भी हो जाता है,
समाज से विद्रोह करने के भी इसके अंदर द्वारा रिबेलियन, ये मैंने प्रकाष्ठा, जब ये विद्रोह इसका जब इस ये प्रकाष्ठा में चला जाता है तब बहुत ज्यादा ओवर, तो ये आदमी विद्रोही बन जाता है। आदमी क्यों विद्रोह करेगा जबकि उसके मन के उसके उसके साथ में अन्याय हुआ। तो अब कौस्टिकम मेडिसिन को देखिएगा, कौस्टिकम में भी कैन नॉट सपोर्ट द इनजस्टिस, कौस्टिकम मेडिसिन कभी भी इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो सर इसे ऑडेसिटी से इसकी सब रूब्रिक्स है, ऑडेसिटी इम्पर्टिनेंस, इसे थोड़ा सा क्लियरिफाई कीजिए। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? साहस, हिम्मत। साहस मतलब कितना साहस, साहस का भी तो लिमिट होगा ना, साहस को अपने अपने लेवल से ऊपर, एक ऐसा साहस अपने लेवल से ऊपर, अपने लेवल से ज्यादा और ऐसा लेवल से ज्यादा कि वो अपने जान की खतरा में खतरा को वहां पर नहीं सोचता है, डर ही नहीं रहता है ना, डर ही रहता है। तो ऑडिसिटी को जब भी आप लेते हो तो उसके अंदर में एक उत्साह इतना ज्यादा होता है, पैशनेट इतना ज्यादा होता है ऑडिसिटी, वो आपको बिना दिमाग के वह काम में इंटरेस्ट हो जाता है। ऑडिसिटी उत्साह बट सर ऑडेसिटी सिर्फ रूब्रिक्स लेते हैं तो वो सारा चेंज ही हो जाता है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन, बहुत सारा वो अलग सारा मेडिसिन चेंज हो जाता है इसमें फिर। ऑडेसिटी देखिए आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ऑडेसिटी के अंदर में आपको मेडिसिन आपको कई एक मेडिसिन है, इग्नेशिया भी इसमें ऑडेसिटी आता है, मेलोरिया भी ऑडेसिटी है, आपको नेट्रम म्यूरेटिकम में भी ऑडिसिटी, नेट्रम म्यूरेटिकम में, और आपको लैक ग्रुप के भी मेडिसिन कुछ ऑडिसिटी में है। तो ये आपको रिपोर्टरी में आपको ये देखने को मिलेगा। जी नहीं तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही थी कि क्या मैंने इससे पहले रूब्रिक्स मैंने क्या पूछे थे, प्रिकॉसिटी, मैं प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रेन में ये पूछना थी कि इसका जो अपने मेंटल लेवल में इमोशनल लेवल और दो लेवल के बारे में अभी आपने बताया ना, मैं केवल आज मेंटल और इमोशनल को ही डील किया हूँ। हाँ मेंटल और इमोशनल, तो प्रिकॉसिटी को डेवलप होने का मेन रीजन इमोशनल लेवल ही है ना, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। प्रिकॉसिटी का मतलब क्या, प्रिकॉसिटी अपने को हम लोगों ने क्या देखा कि उम्र से ज्यादा है ना, तो उम्र से ज्यादा कोई भी बुद्धि जो है अगर ज्यादा इस्तेमाल करता है उसी को प्रिकॉसिटी कहेंगे ना। अब जब बुद्धि आप सारा दुनिया आपका शरीर भी काम किसका किसके सहारा करता है, आपके दिमाग के द्वारा करता है। अब दिमाग कहता है कि तुम रोटी बनाओ, खाना पकाओ, अपना ये करो, तो उसका शारीरिक इन्वॉल्वमेंट होगा ना, माइंड के साथ में शारीरिक है। अब उसको कहता है कि पैसा कमाने के लिए चोरी करो, तो यहाँ कौन करता है चोरी, तो फिजिकल बॉडी करने जाता है लेकिन माइंड कहता है चोरी करो। तो वह एक है अपने जीने के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है ना। प्रिकॉसिटी का जो रीजन होता है उसमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ दवा है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए वह प्रिकॉसिटी है। तो बच्चे कुछ बच्चे अंदर में नक्रोमिका ये सब के बच्चे जो होते हैं उसके अंदर में भी प्रिकॉसिटी होगा क्योंकि वह बुद्धि से जीना चाहता है। प्रिकॉसिटी हम लोग बड़ों में भी ले, मैं हम लोग बड़ों में भी ले सकते हैं हेलो सर, इस सिम्टम्स को हम लोग बड़ों में भी ले सकते हैं, ये बोला गया है कि प्रिकॉसिटी इन ऑफ चिल्ड्रन। हाँ प्रिकॉसिटी, प्रिकॉसिटी खाली बच्चों में नहीं, बड़ों में लेते हैं ना वही, बच्चे में लेंगे बड़ों में भी लेंगे, बड़ों में भी लेंगे प्रिकॉसिटी। आपको बड़ों में भी प्रिकॉसिटी देखिएगा, एक ग्रुप है, एक मान लीजिए कि नाइन्थ क्लास का बच्चे लोग है एक क्लास में, अब उसमें देखिएगा कि एक बच्चा जो है तो बाकी सभी बच्चे से एवरेज बुद्धि से ज्यादा है, बात समझ रहे हैं ना। आप जैसे एक समाज में रह रहे हैं, आप कॉलेज में जहाँ पढ़ती थी वहां पर सभी बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा है या दो बच्चा है जो कि पूरे कॉलेज के ऊपर में वो अपने बुद्धि का अति बताता रहता है, वहां पर ये वो भी प्रिकॉसिटी के अंदर में आ जाएगा, इंटेलेक्चुअली वो हाई हो गया, इंटेलेक्चुअल ट्राइंग टू बिकम मोर इंटेलेक्चुअल। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो, हमारे पास 5 मिनट्स बचे हैं।
ट्राइंग टू बिकम मोर इंटेलिजेंट और शो करना कि मैं ज्यादा बुद्धि है, मैं जैसे बनना चाहता हूँ, ये जो है सो प्रिकॉसिटी के अंदर ले जाएगा। आवाज कट गया है, मुझे क्लियर समझ में नहीं आया लास्ट आपने क्या बोला। मेरा नेटवर्क आज कमजोर है। इसीलिए शायद आवाज कट गई है लास्ट में। ओके, इसीलिए हमारे पास 5 मिनट्स बचे, 4 मिनट्स बचे हैं, किन्हीं को और कुछ कहना है? कोई कुछ बोल नहीं रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट खाली रह जाए मेरे अपने लेक्चर में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म किया था लाइक्स को। अच्छा सर, इनपर्टिनेंस मींस क्या हुआ? हाँ, उसका ही सब रूब्रिक्स है, ऐसा प्रिकॉसिटी का ही इनपर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस का मतलब क्या होता है? यस, वही मैं भी पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे जस्ट नहीं, प्रिकॉसिटी मतलब कि है, काम बुद्धि है। इम्पर्टिनेंस मतलब कि स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। ट्रेवल नहीं है मींस हाँ, इम्पर्टिनेंस उस पर टिकेगा नहीं, उस पर अच्छा, स्टेबिलिटी मतलब नहीं होगी। हाँ, मींस फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मतलब चेंजेबल हो जाएगा, उसकी बातें चेंजेबल हो फिर। जाएगा। बुद्धि है, दिखलाता है बुद्धि, लेकिन वहां पर तुरंत बात को टिकेगा नहीं, वो बदल लेगा। अच्छा, अब मैंने एक एक चीज और इसमें, और फ्लैट फ्लैटरिंग सेड्यूसिंग, ये रिलेटेड टू फ्लैटरिंग रिड्यूसिंग, फ्लैटरिंग फ्लैटरिंग, सेड्यूसिंग। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग, हाँ, फ्लैटरिंग मतलब फ्लैटरिंग। चापलूसी करना, सेड्यूस करना मतलब फ्लैटर करके, मैंने चापलूसी करके आपको अपने आपके ऊपर में अधिकार करते हैं, सो फ्लैटरिंग करते हैं, फ्लैटरिंग। तो ये रिलेटेड टू सेक्स से, सेक्सुअल पे जा रहा है या किसी भी अदर फील्ड में है? आप हर एक चीज को एक जगह पर मत बांधिए। सेक्स वन लाइफ है, और भी दूसरी चीज है आपके ऊपर में, किसी चीज पर लाइफ में किसी जगह पर डोमिनेट करने का भी कोशिश करता है। एक और हैंड रेज है, डॉक्टर। डॉक्टर राम प्रवेश हाँ सर हाँ ने एड्रेस किया है। और एक क्वेश्चन हमारे पास और आए हैं, डॉक्टर नहीं, हरिनाथ सर प्रणाम। ने, एक सेकेंड सर, है वो जस्ट अ मिनट। शो ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रीकोसिटी आरंट वन एंड द सेम। शो ऑफ इंटेलिजेंट, अपने इंटेलिजेंस को दिखलाना है ना। ये देखिए दो चीज है, एक होता है कि जो बुद्धि नहीं होता है लेकिन अपने आप को दिखलाते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, दिस इज नॉट, दिस इज कनिंगनेस, कनिंगनेस हो गया, ये दोनों अलग हो गया, शो ये ऑफ दोनों करना अलग। अलग हो गया। हाँ बोलिए, राम सुरेश जी आप बोल रहे थे। हाँ सर, प्रणाम सभी को, नमस्कार। खास करके दीप मुखर्जी आप इस समय फॉर्म में है, बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन पूछती है। और सर आज के जो सेशन है, दीपमाला बोली बजरंग बली के, तो सर मौका मिल जाता है, बात ही सही, और बहुत अच्छा लगा मिलकर। और एक चीज जो बताया कि हम लोग मनुष्य, मैंने तो कहा कि मनुष्य होता है। कोई भी दूध जो है, जितने भी बच्चे ही दूध पीते हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि दूध पीते हैं, तो क्या यह दूध पीना क्या गलत दिशा में ले जाता है, मनुष्य का सही दिशा में ले जाता है, यह राम जो है प्रवेश पूछते जी, मैं इसका जवाब यह नहीं हैं। कहूंगा कि गलत है सही है, क्योंकि मैं इसको यह नहीं कहूंगा, मैं यह भी कहूंगा कि सही है जो, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हम लोग दूध सही बोले हैं चोरी सर, आप करते हैं। एकदम, आप 100% परफेक्ट है। बाकी तो अब हम कह देते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पीने से ही लेकिन बड़े के हम लोग हाँ सामाजिक रूप से इसका हाँ विरोध तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग हाँ दूध हाँ पीते हैं, रोज सवेरे दूध मांगते हैं, दूध चाहिए दूध मायके चाहिए। हाँ नहीं सर, ओशो का भी थ्योरी, ओशो में बताए हैं कि वास्तविक में बच्चे बच्चे जाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, जो कोई प्राणी
नहीं पीते हैं, जानवर के बच्चे नहीं पीते हैं, तो आदमी को भी नहीं पीना चाहिए। इससे आता है, बहुत सारी इससे भी आता है, ऑटोनोमस डिजीज जो है इससे भी आता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया डायनेमिक का सर जो है, बहुत बढ़िया। अचानक मौका मिल गया, क्या करें, मौका मिलने का था, मैं सोचा ना कि मौका मिलते रहे, हम लोग भी आपके बानी जो है सुनते रहे, लाइक से मेरे मौका मौका। हाँ ठीक है सर, कभी कभी फिसल जाए कोई जो है हमारे गेस्ट, बहुत अच्छा रहेगा कि आपका बानी को सुनने का मिलेगा। मत कीजिए, हम लोग को प्रॉब्लम में डाल देंगे, ऑर्गेनाइजर को, कोऑर्डिनेटर को प्रॉब्लम हो जाएगा अगर स्पीकर जो है चलते रहेंगे तो, ऐसा मत। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारा सेशन भी, टाइम भी हमारा ओवर हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया, सो अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर शानी सर, आपकी वजह से आज का सेशन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, वंडरफुल सेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर इंग्लिश सेशन, सो यह मंच मैं डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर दीपा।